Hello students, good morning. How are you all? I wish you all are fine. Today we will do worksheet number 1. Student, this worksheet is about the poem The Squirrel. Write the things you see in this picture. आपको इस पिक्चर में जो दिखाई दे रहा है वो आपको बताना है. ये देखिए, ये आपने देखी होगी आपने डेली लाइफ में, या कभी आप विलेज गए होंगे तब, या पार्क में घूमने गए होंगे तब. आई सी ए ब्लैंक रैबिट और स्क्वेरल. तो स्टूडेंट, क्या है ये, रैबिट है या स्क्वेरल है? तो आप देख सकते हैं ये क्या है, स्क्वेरल. तो आपको यहाँ लिखना है स्क्वेरल, स्क्वेरल पे टिक करना है, और यहाँ पर आपको क्या लिखना है, स्क्वेरल. स्क्वेरल की फ़ोटो है ना, आपने देखी है स्क्वेरल. ओके, ये स्क्वेरल लिखना है इस ब्लैंक के अंदर. इट हैज़ ब्लैंक इन इट्स हैंड. इसके हैंड में देखिए ये क्या है, नट है. ये बनाना तो नहीं है ना, तो ये क्या है, इसमें नट है. तो यहाँ पे आपको लिखना है नट, और नट को टिक करना है. इसने अपने हाथ में नट ले रखा है ना. ओके, आगे बढ़ते हैं. रीड द फॉलोइंग पोएम अलाउड थ्राइस एंड कलर द स्टार आफ्टर एवरी रीड. तो एक कौन सी पोएम है, स्क्वेरल है, ये आपको पढ़नी है, और थ्राइस, थ्री टाइम्स पढ़नी है, तीन बार पढ़नी है. एक बार पढ़ लिया आपने, एक स्टार को आपको कलर करना है, फिर सेकंड बार आपने पढ़ी इसको तो सेकंड स्टार को, थर्ड बार भी थर्ड स्टार को. तो ओके, अब हम पढ़ते हैं इसको, रीड करते हैं. ही वोर ए क्वेश्चन मार्क फॉर टेल एंड ओवरकोट ऑफ ग्रे. ही सेट अप स्ट्रेट टू ईट ए नट. ही लाइक टू टीज एंड प्ले एंड इफ वी रैन अराउंड हिज ट्री ही वेंट द अदर वे. तो आपने एक बार रीड कर लिया, तो आपको एक स्टार को क्या करना है, अब कलर करना है अच्छे तरीके से. ऐसे ही आपको सेकेंड टाइम पढ़नी है. ही वोर ए क्वेश्चन मार्क फॉर टेल एंड ओवरकोट ऑफ ग्रे. ही सेट अप स्ट्रेट टू ईट ए नट. ही लाइक टू टीज एंड प्ले एंड इफ वी रन अराउंड हिज ट्री ही वेंट द अदर वे. तो स्टूडेंट, ये पोयम है. इसमें आपको अच्छा लगा ना कि बड़े अच्छे तरीके से, तो उसको हम पोयम रेसिटेशन बोलते हैं. रेसिटेशन में हमें म्यूजिकल इफेक्ट, तो पोयम को आपको ऐसे ही पढ़ना है, म्यूजिक की तरह पढ़ना है, क्योंकि पोयम में राइमिंग वर्ड्स होते हैं. स्टूडेंट, राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, जिन वर्ड्स की पीछे की साउंड सेम होती है. जैसे इसमें देखिए आप, ये देखिए ग्रे और प्ले, प्ले ग्रे, ए साउंड आ रही है, तो ये क्या है, राइमिंग वर्ड्स हैं, जिसकी वजह से, और वे भी देखिए, जिसकी वजह से हम पोएम के अंदर म्यूजिकल इफेक्ट डालते हैं उन राइमिंग वर्ड्स के कारण. तो आपको अच्छा लगा कि जैसे कि मैडम कोई गाना गा रही हो. तो आपको तीन बार पढ़ना है, दो बार हम पढ़ चुके हैं, तीसरी बार भी आपको पढ़ना है. देखिए, ही वोर ए क्वेश्चन मार्क फॉर टेल एंड ओवरकोट ऑफ ग्रे. ही सेट अप स्ट्रेट टू ईट ए नट. ही लाइक टू टीच एंड प्ले एंड इफ ही रन अराउंड हिज ट्री ही वेंट द अदर वे. ओके स्टूडेंट, तो आपको, अब आपने थ्री टाइम्स पढ़ लिया, तो तीसरे को भी आपको, तीसरे स्टार को भी कलर करना है. ओके स्टूडेंट, अब हम आगे बढ़ते हैं. और ये देखिए, ये किसने लिखी है, ये पोएम किसने लिखी है, आप देख सकते हैं, बाई मिल्ड्रेड बावर्स आर्मस्ट्रॉन्ग. ये इसके पोइट का नाम है. ओके, आफ्टर रीडिंग द पोएम आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय चूजिंग द राइट ऑप्शंस. अब आपने पोएम पढ़ ली है, तो नीचे क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनको आपको आंसर देने हैं. तो इस पोएम में कोई डिफिकल्ट वर्ड यूज़ नहीं हुआ, आपको इसका पता लग गया ना इस पोएम में क्या है. ये देखिए, ही वोर ए क्वेश्चन मार्क फॉर टेल. उसने, उसकी टेल ऐसी दिखाई दे रही है जैसे ऐसा लगता है उसकी टेल क्या है, क्वेश्चन मार्क है. एंड ओवरकोट ऑफ ग्रे, आपको देखा होगा उसके ऊपर की स्किन जो है ग्रे कलर की होती है, तो ऐसा लगता है कि उसने ओवरकोट पहन रखा है ग्रे कलर का. ही सेट अप स्ट्रेट टू ईट ए नट, और वो सीधी बैठी हुई है और एक नट को खा रही है. ही लाइक टू टीच एंड प्ले, वो खिजाना पसंद है उसको, खेलना पसंद है. एंड ही वी रैन अराउंड हिज ट्री, हम उसके पेड़ के पास जाते हैं, हम स्क्वेरल के पास जाते हैं. ही वेंट द अदर वे, वो दूसरे रास्ते चली जाती है डर के मारे. तो अब देखिए क्वेश्चन आंसर करते हैं, हु इज ही इन द पोएम, ही कौन है इसमें, स्क्वेरल है ना, तो इसका आंसर है बी, स्क्वेरल. ओके, द स्क्वेरल्स टेल लुक्स लाइक ए मार्क. कैसी, कैसा दिखाई दे रहा है उसकी टेल, ये देखिए, क्वेश्चन मार्क. तो इसका बी ऑप्शन सही है, इसमें आएगा क्वेश्चन. थर्ड देखिए, द स्क्वेरल सिट्स अप स्ट्रेट टू ईट ए, क्या कर रही है स्क्वेरल, सीधे बैठकर नट. तो इसका आंसर थर्ड का क्या होगा, बी. अब फोर्थ देखिए, दिस पोएम इज रिटन बाय, किसने लिखी है, मिल्ड्रेड बावर्स आर्मस्ट्रॉन्ग. तो ए ऑप्शन है वर्ड्सवर्थ, जो कि गलत, बी ऑप्शन सही है, मिल्ड्रेड बावर्स आर्मस्ट्रॉन्ग. ओके स्टूडेंट,
अब देखिए लास्ट में देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, पिक आउट राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द क्लाउड एंड राइट देम इन द ब्लैंक्स बिलो। मैंने आपको पहले भी बताया था कि राइमिंग वर्ड्स क्या हैं, जिन वर्ड के पीछे की साउंड सेम होती है। तो इस क्लाउड्स के अंदर जो वर्ड्स दे रखे, देखो ये क्लाउड्स है ना, इसमें क्या दे रखे हैं, नेल, हर्ट, फ्री, में, इनके हमें राइमिंग वर्ड्स जो है, इन वर्ड्स से हमें राइमिंग वर्ड्स बताने हैं जो इसमें दे रखे हैं, और इस क्लाउड में से वो वर्ड लेने हैं एंड राइट देम इन द ब्लैंक्स बिलो। जैसे फर्स्ट हमारा ग्रे, तो ग्रे का राइमिंग वर्ड्स क्या है, वे, ग्रे, वे, ए ए साउंड आ रही है ना पीछे, टेल, टेल का क्या होगा, नेल, एन ए आई एल, टी ए आई एल, टेल, नेल, नट, हट, ट्री, फ्री, प्ले, मे, ए ए साउंड आ रही है। तो ये है हमारे राइमिंग वर्ड्स। तो स्टूडेंट आज की वर्कशीट बिल्कुल आसान थी, आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।